हेलो फ्रेंड्स, संगीतास किचन में आपका स्वागत है। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिखाया गया लाल सब्सक्राइब बटन दबाएं और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं। आज हम बनाएंगे काजू कॉर्न। इसके लिए हमने मकई का एक बुट्टा लिया है जिसको हमने उबाल के रखा है, और काजू, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, यहाँ पे हमने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट बना ली है। यहाँ पे वाटरमेलन सीड और काजू की पेस्ट बनाई है जिसको मैंने एक घंटे पहले भिगो के रखा था, और फिर इसकी पेस्ट बनाई है। नमक, ऑयल, मिल्क पाउडर, घी, गरम मसाला, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच मिल्क पाउडर लिया है। इसमें हम 1 बूंद जितना घी डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। और मैं आपको मिल्क बताना भूल गई, लेकिन हमें इसमें 1 चम्मच जितना मिल्क चाहिए। इसको ऐसे आटे की तरह गूंद के इसका एक बॉल तैयार कर लेंगे। इसमें दूध बहुत ही कम चाहिए, थोड़ा थोड़ा हम इसमें डालेंगे। ये देखिए, हमारा बॉल रेडी हो गया इस तरह से। अब हमने कुकर में थोड़ा सा पानी डाला है और इसमें स्टैंड रखा है। अब हम एक बाउल में ये बॉल रखेंगे और बिना सीटी के हम इसे 2 से 3 मिनट पकाएंगे। एक पैन में हम 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल हमारा गरम हो गया है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। और इसे 3 से 4 मिनट भूनेंगे। ये देखिए, प्याज हमारी भुन गई है। थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है, ज़्यादा ब्राउन नहीं किया। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे और इसे भी 3 से 4 मिनट ऐसे ही भुनेंगे। टमाटर देखो पक गए हैं। अब हम गैस को ऑफ करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। अब हम कुकर को, ये देखिए, अब हम इसे 10 से 15 मिनट फ्रीज में रख देंगे ठंडा होने। ये हमारे प्याज और टमाटर ठंडे हो गए हैं। अब हम ग्राइंडर में डालेंगे और इसकी पेस्ट तैयार करेंगे। अब हम एक पैन में 1 चम्मच घी डालेंगे। और इसमें काजू को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, काजू फ्राई हो गए हैं। इसे निकाल लेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो जाएगा फिर इसमें ये हमने 1 हरी मिर्च और अदरक और लहसुन तीनों को साथ में पेस्ट बना लिया है। उसे थोड़ा सा भून लेंगे 2 मिनट। और इसमें हमने 5 से 6 काजू और
एक चम्मच वाटरमेलन सीड डाल के इसकी पेस्ट बनाइए, वो डाल देंगे। और इसे भी थोड़ा सा भुनेंगे। अब हमने जो टमाटर और प्याज की पेस्ट बनाई है वो डालेंगे। अब हम इसमें एक चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये सारे डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे और शिमला मिर्च और मक्के के दाने, और काजू, हमने मकई को उबालते समय थोड़ा सा नमक डाला था, तो हम ग्रेवी का नमक डालेंगे। और मुझे थोड़ी सी ठीक लग रही है तो मैं थोड़ा सा पानी और डालूंगी और इसे 5 से 6 मिनट ढक के उबालेंगे। अब हम चेक करेंगे और हमने जो गरम मसाला लिया है वो डालेंगे। और इसे मिक्स करेंगे। अब हमने जो ये मिल्क पाउडर का बॉल बनाया था उसे हम ऐसे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये मावे की तरह इसका टेस्ट आता है, इसलिए अगर मावा नहीं है तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए हमारी सब्जी रेडी है। अब हम गैस को ऑफ करेंगे। रेडी है काजू कॉर्न। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।